नमस्कार साथियों, आज लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं शुरुआत कर रही हूँ। आप सब जानते ही होंगे मैं सर की स्कॉलर हूँ, स्वाति वैष्णव। आज चूंकि हमने दोपहर में भी लाइव क्लास लिया था, उसमें आपने देखा होगा कि आज सर का कन्वोकेशन डे था, मतलब रविशंकर यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन था 2019 का, जिसमें 17 और 18 दो साल के दीक्षांत मतलब डिग्रीधारियों को और पीएचडी में गोल्ड मेडलिस्ट लोग को आज सम्मानित किया गया है मुख्य अतिथियों के द्वारा। तो उसी के संबंध में मैं सर से इंटरव्यू ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, मतलब अभी अभी सब्सक्राइबर बने हैं सर के। तो सर ने पहले जो गाइडलाइन दिया था नेट पीएचडी एमफिल ये सब के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में, तो हो सकता है आपने वो मार्गदर्शन ना लिया हो। अभी तो जो रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको मिलता ही रहता है मार्गदर्शन, तो मैं बस इसलिए कि आप लोगों को और मुझे फिर से कोई गाइडलाइन मिले, इसलिए हमारे सबके प्रेरणा स्रोत डॉक्टर वीरेंद्र रावतिया सर से मैं कुछ क्वेश्चन कर दी हूँ, और उम्मीद करते हैं आपके लिए ये अच्छा साबित होगा, आप लोगों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा। नमस्कार नमस्कार जी सर। तो सर, क्वेश्चन की शुरुआत इसी से करते हैं कि आज जो दीक्षांत समारोह हुआ उसमें खैर मैं भी उपस्थित थी, लेकिन आप खुद एक डिग्रीधारी हैं, तो आपको कैसा लगा वहाँ पे, पहले ये बताइए, अपना अनुभव बताइए। जी, दोस्तों आप सभी को नमस्कार मेरा, और स्वाति वैष्णव जो मेरे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट रही है और हमेशा है रहेगी वो। सबसे पहली बात तो ये है कि जब दीक्षांत समारोह आयोजित होता है और इसका जब नोटिफिकेशन किया जाता है, जो पीएचडी किए रहते हैं और जब तक वो दीक्षांत समारोह में वो अवार्ड न मिले तब तक अधूरा सा महसूस होता है लोगों को जो है, और जब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी किया तब हमें महसूस हो गया था कि इस बार हमें पीएचडी का अवार्ड मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि दीक्षांत समारोह में जो मुख्य अतिथि होते हैं वो एक तो महामहिम राज्यपाल महोदया थी, जो कुलाधिपति होते हैं, जिनकी अनुमति में जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो तीन चार चीज़ें काम करते हैं। एक तो जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट या एमफिल किया हुआ है या पीएचडी धारी हैं या गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनको ये घोषणा करते हैं कि, और उनको सम्मान देते हैं कि आप जो है इस डिग्री को समाज के समक्ष या समाज के जो हमारे लोग हैं उनकी सेवाएं प्रदान करें। इस डिग्री को केवल आप इतना मात्र नहीं कि आप केवल फोटो खिंचा लें या नाम प्रतिष्ठा प्राप्त करें, बल्कि समाज के बीच में रहकर जो है समाज के दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करें, और आपने जो रिसर्च किया हुआ है, आपने जो डिग्री प्राप्त किया हुआ है उस डिग्री का सदुपयोग करें, और ये अपेक्षा की जाती है दीक्षांत समारोह में। साथ ही साथ शपथ दिलाई जाती है कि केवल जिस डिग्री को आप अपने लिए उपयोग नहीं करना है बल्कि ये जनउपयोगी साबित हो, जनउपयोगी, और जनउपयोगी इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आप फिलोसोफर बन चुके हैं, दार्शनिक बन चुके हैं। पीएचडी का मतलब ही होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, यानी कि आप एक फिलोसोफर हो, दार्शनिक विचारधारा हो, एक आम नागरिक नहीं हो आप, और ये हायर एजुकेशन का सर्वश्रेष्ठ डिग्री है, सर्वोच्च डिग्री माना जाता है। जैसे पुरस्कार में भारत रत्न, भारत का जो भारत रत्न पुरस्कार होता है, वैसे हायर एजुकेशन में सबसे बड़े डिग्री जो होता है वो पीएचडी का होता है, क्योंकि पीएचडी में रिसर्च से जुड़ा हुआ होता है, वो व्यक्ति जो है जो पीएचडी धारी है वो रिसर्च करता है, यानी कि रिसर्च वो भी इनोवेटिव रिसर्च रहता है, और वो जब वो रिसर्च के दौरान 4 से 5 साल वो जब फील्ड में जाकर सर्वे करता है या उनके जो भी वैज्ञानिक पद्धति है या रिसर्च के जो तरीके हैं उस तरीके को अपनाकर उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला हुआ है, उन्होंने जो सजेशन दिया हुआ है, वो सरकार के लिए भी जरूरी है साथ ही साथ आम नागरिक के लिए भी जरूरी है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। और मैं 2017 में पीएचडी अवार्ड हुआ था और 2019 में मुझे जो है ये अवार्ड जो है प्रदान किया गया है, मैं बहुत खुश हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ स्वाति, कि मैं
जब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं था, सॉरी, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं था या मैं पीएचडी में एनरोलमेंट नहीं हुआ था, तब इसके पहले भी मैं दीक्षांत समारोह कई बार देखा था, और उस दीक्षांत समारोह को देखने के बाद में मेरे मन में भी कई बार प्रश्न उठा था कि वो वहाँ पर मैं भी खड़ा रहूँगा और मैं भी उस दीक्षांत समारोह में इस तरह से अवार्ड लूँगा, और मैंने भी कसम खाया था, और वो जो कसम थी या जो मेरा सपना था आज पूरा हुआ। ज़्यादातर हम खुश नहीं होते हैं, इसके अलावा जो हमारे परिवार के परिजन हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं या सोसाइटी के लोग होते हैं या जो जैसे कि आप सभी बच्चे हैं, वो बहुत खुश होते हैं कि देखिए बोले वो हमारे सर हैं, वो डॉक्टर हैं, हैं। और जब हम 2017 में पीएचडी किए थे, तब उस समय जो हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसके माध्यम से लोग तो जानकारी प्राप्त हो गया, लेकिन उनके उन्होंने कई बार ये प्रश्न पूछते थे, बोले आपका दीक्षांत समारोह में सम्मान हुआ? जी हुआ, तो कहते नहीं हुआ है। तो लोगों के मन में एक प्रश्न चिन्ह लग जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को बता रहा है कि मैं पीएचडी धारी हूँ डॉक्टर लिखने के लिए। लेकिन दीक्षांत समारोह जब हो जाता है तो सारी दुनिया को जो है पता चल जाता है कि ये डॉक्टर साहब है, ठीक है। और उसके बाद में जब लोग आप डॉक्टर वेणुधर रौतिया कहेंगे, जब आपको डॉक्टर स्वाति वैष्णव कहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। जब हम लिखते हैं तो उस समय पेन चलता नहीं है डॉक्टर शब्द लिखने का, लेकिन जब कोई आपसे कहेगा वो डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग या डॉक्टर साहब कैसे हैं, या जब सारे सोसाइटी के लोग जानेंगे कि ये डॉक्टर है भाई, ये पीएचडी है भाई, ये इनको हमने यूट्यूब में देखा था, न्यूज़पेपर में देखा था, तो इस तरह के जब आपको सम्मान मिलता है, सोसाइटी खुद सम्मान देती है ऐसे लोगों को, तो जो सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो गर्वान्वित महसूस होता है। वो समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है, जो नौयुवक है, उनको एक मार्ग प्रशस्त करता है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा कि पीएचडी करना न तो कोई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने जैसा है और न ही आपको सब्जी बेचने जैसा है। यानी कि हम कहेंगे कि पीएचडी का अपना मूल्य है, पीएचडी का अपना एक महत्व है, और पीएचडी धारी जो है उसके लिए तो और उसका अपना अलग महत्व दिखाई देता है, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी के लोग दिखाई देंगे, आपने देखा होगा आज माहौल कैसा था और क्या महसूस कर रहे थे लोग जो है, है। और वो जब सीन देखते हैं जब वो प्रेक्षा गृह में आयोजित हुआ, वहाँ पर मुख्य अतिथि लोग बैठे हुए थे, हैं, महात्मा गांधी जी के परपोते वहाँ पर बैठे हुए थे, साथ में राज्यपाल महोदया बैठी थी, मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए थे, सबके ऊपर नज़र रहता है, बोले वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, ये सब रिसर्चर हैं। और आज का समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन जीने का समय है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो विज्ञान या तकनीकी का जो विकास हुआ है उसमें रिसर्चर का बड़ा योगदान है, तो इसलिए रिसर्चर आजकल रिसर्च के प्रति जो है पूरा। तो सर ने पहले क्वेश्चन का जो आंसर दिया उससे मतलब हम समझ गए कि जैसे कोई भी अधिनियम जब पारित होता है तो उसकी मान्यता तब तक नहीं रहती है जब तक वो सरकारी गजट में प्रकाशित ना हो जाए, उसी को नोटिफिकेशन माना जाता है। वही पीएचडी के संबंध में है, बहुत सारे जो लाइव क्लास में आते हैं, दो तीन शायद तीन चार लोग खुद पीएचडी होल्डर हैं, उनको पता ही होगा, और आगे बहुत सारे लोग इच्छुक हैं कि नेट के बाद वो भी करना चाहते हैं, मैं खुद भी कर ही रही हूँ। तो मतलब फाइनल वाइवा होने के बाद भी कुछ ना कुछ जो चीज बची रह जाती है वो कन्वोकेशन में पूरी हो जाती है, और सर के चेहरे पर वो खुशी दिख भी रही है, अभी आप लोग देख रहे होंगे। सर से सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हायर एजुकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि पीजी करने के बाद पहले एमफिल करें, नेट करें या पीएचडी करें, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने कई बार आंसर दे दिए हैं फिर भी लाइव क्लास में फिर से वही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए स्वाति, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब पीएचडी हम करने की इच्छुक रहते हैं, यानी कि हम बता रहे थे आपको जो है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी और मास्टर ऑफ फिलोसॉफी दो चीज़ें होता है, और उसमें नेट और जेआरएफ दो चीज़ें होता है, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दोनों अलग अलग ऐसा दो भागों में हम बांट दें,
एक तो जो है हमारा डिग्री है और एक जो है आपका जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्योंकि जैसे ही आप यूजीसी में फार्म अप्लाई करते हैं, जैसे अभी फार्म अप्लाई हो रहा है जून 2019 की यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, जिसमें बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे, जून में एग्जामिनेशन देंगे और उसके बाद जब वो जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, तो जो जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं उनके लिए सबसे मेन प्रश्न ये होता है कि उनके पास में 3 वर्ष का समय रहता है, केवल 3 वर्ष का समय रहता है जेआरएफ फेलोशिप प्राप्त करने के लिए। तो और उसके सामने में आपका एक पीएचडी है और आपका एक एमफिल है, तो उनको 3 साल के अवधि में उनको जो है या तो एमफिल में एडमिशन ले लें या पीएचडी में एडमिशन ले लें, दोनों काम आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका जो जेआरएफ आपने इतना मेहनत करके जो सफल हुए थे वो हो जाएगा बेकार। तो इसलिए उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो पीएचडी मिल रहा है सबसे पहला, यदि मान लीजिए गाइड मिल जाए, सबसे पहला काम है गाइड मिल जाए पीएचडी में, तो ऐसे जेआरएफ और नेट बच्चों को जो है तत्काल पीएचडी का लेना चाहिए। जब चूंकि सबसे बड़ी कठिन काम है पीएचडी के गाइड उपलब्ध हो पाना, और यदि वो गाइड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तब ऐसे स्थिति में वो एमफिल कर सकता है। एमफिल के लिए गाइड की जरूरत नहीं पड़ता, जैसे हम पीजी करते हैं तो वैसे एमफिल करते हैं, और जैसे ही एमफिल करेंगे, एमफिल उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो वैसे ही उनको सबसे पहले जो प्राथमिकता मिल जाएगा वो पीएचडी में, ठीक है। और एमफिल करते करते उनका पीएचडी में भी जो है, जो यहाँ पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप में जो आपने एमफिल में लिया था, वैसे पीएचडी में उसका हो जाएगा वो जो है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि एमफिल के लिए भी फायदा ले सकता है जेआरएफ का, और पीएचडी के लिए भी फायदा ले सकता है, ठीक है। ये दोनों काम जो है साथ साथ हो सकता है। दूसरा चीज ये नेट और जेआरएफ, मान लीजिए कोई स्टूडेंट चाहता है, जैसे मैं खुद स्वयं, मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में वहां पर एम्प्लॉय था, और उस समय मैं जब लॉ में पीजी कर रहा था तब मेरे मन में भी एक प्रश्न था कि मैं पीएचडी करूं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं। मेरे मन में ये प्रश्न नहीं उड़ता था कि मुझे हर हालत में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन मेरे मन में हमेशा प्रश्न उठता था कि मुझे जिंदगी में लॉ में पीएचडी करना है, और जब भी मैं अपने नाम के सामने में डॉक्टर लिखाऊंगा तो वो लॉ सब्जेक्ट होना चाहिए। और मैंने इसलिए नेट का एग्जामिनेशन दिया, किसी टीचर से मैंने पूछा कि मुझे पीएचडी करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने मैंने मुझे एक ही सलाह दिया था, तू नेट निकाल। तो मैंने उसके मन में मैंने उसको फिर दोबारा एक प्रश्न किया कि नेट करने से क्या फायदा है, तो बोले नेट करने से सबसे बड़ी फायदा यह है कि बार बार आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है। मान लीजिए गाइड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो फिर अगले साल फिर एग्जाम दो, फिर उसके बाद फिर एग्जाम दो, आप जो है लगातार एग्जाम देते जाते हैं, तो बोले इनसे आप बच जाएंगी। दूसरा चीज ये बोले कि जब आप नेट क्लियर रहेंगे तो हो सकता है कि किसी विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकले तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे बताया गया था कि यदि मान लीजिए आप कभी इच्छुक होंगे कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एकेडमिशियन बनना है, तब उस समय जब अप्लाई करेंगे, जब उस समय अप्लाई करेंगे तो या तो पीएचडी डिग्री चाहिए, और उस समय अनिवार्य था कि नेट अनिवार्य है, उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट अनिवार्य था, पीएचडी होगा तब भी नहीं हो पाएगा। और आज भी इसकी बड़ी योग्यता है कि पीएचडी वालों के लिए नेट में छूट मिलता है, न कि नेट वालों को पीएचडी में छूट मिलता है, पीएचडी वालों को नेट में छूट मिलता है, ठीक है। तो इसलिए नेट का तो महत्व कभी कभी खत्म नहीं होगा, वो हमेशा बना रहेगा। और जो हम आपको कह रहे हैं ना, जैसे आप पीएचडी स्कॉलर हो, कई बार मेरे जैसे टीचर जो है, गाइड जो है, सुपरवाइजर जो है, वो एक एलिजिबिलिटी रख देता है कि बोले भैया मैं हर व्यक्ति को जो है पीएचडी स्कॉलर नहीं बना सकता, जो नेट जेआरएफ होंगे उन्हीं को मैं स्कॉलर बनाऊंगा। क्यों करा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो गाइड ये समझता है कि जिन स्कॉलर को मैं अपने स्कॉलर बना रहा हूँ, पीएचडी करा रहा हूँ, वो बच्चा केवल नाम के सामने में डॉक्टर लिखने के लिए वो पीएचडी नहीं कर रहा है, बल्कि वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में या कॉलेज में वो एक एकेडमिशियन बनने के लिए यहाँ पर पीएचडी करना चाह रहा है। और हर गाइड का एकमात्र उद्देश्य होता है कि उनके स्कॉलर जो है वो एकेडमिशियन बने,
क्योंकि पीएचडी का महत्व तो वह है जब एकेडमिशियन बनना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनना है आपको जो है, या एडमिनिस्ट्रेटर को डॉक्टर लिखने में कोई अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हम आपको बता रहे हैं, जब हम आपको बता रहे हैं, आपको जो आपने जो प्रश्न किया था मैं उसका एक लाइन में उत्तर दूंगा कि जो भी बच्चा पीएचडी एमफिल नेट जेआरएफ करने की इच्छुक है तो आपको जो है केवल इतना मात्र नहीं केवल सोच लिए कि मुझे ये करना है, बल्कि उनके साथ साथ आपको जो है लगन मेहनत परिश्रम भी चाहिए। हाँ, सोच रखना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला सोच बनाना कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे क्यों जाना है, ये उपलब्धि हासिल मेरे बस में है या नहीं ये प्रश्न नहीं है। हर व्यक्ति के बस में है, हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति इसमें जाना चाहता है तो मुस्तैदी के साथ में अभी से लग जाए, यानी कि जब पीजी कर रहा हो तब से व्यक्ति को एक सोच बना ले कि मुझे सबसे हाईएस्ट डिग्री पीएचडी डिग्री चाहिए और साथ ही साथ मुझे किसी भी लीड यूनिवर्सिटी में वो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और उनके साथ में यदि आप पीजी करते हैं और पीएचडी करने के बाद में, और जब आप पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, एमफिल में एडमिशन ले लेते हैं या नेट जेआरएफ कर लेते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाता है कि आपको जो है जहां पर भी अप्लाई एप्लीकेशन निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, वहां पर तत्काल अप्लाई करेंगे और आपकी सोच के अनुरूप जो है आपको जो भी सोचे हैं वो मिल सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। जी सर, बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि जेआरएफ क्लियर करने के बाद क्या घर बैठे भी बिना पीएचडी एमफिल में रजिस्टर्ड हुए जेआरएफ की मतलब फेलोशिप मिलती है, तो उसके लिए थोड़ा गाइडलाइन दे दीजिए। सबसे मेन चीजें हैं, देखिए जब मेहनत करने के बाद में जो प्रतिफल प्राप्त होता है ना उसका मजा ही कुछ और है। जी सर, ठीक है, बिना मेहनत का कोई चीज मिलता है उसका एक रुपया का वैल्यू नहीं है। खुद अपने मन में भी ये प्रश्न उठता है, जब इसमें मैंने कोई मेहनत किया ही नहीं है, ऐसे चीजों को मैं अपने जेब में रखूंगा तो आपको भी ग्लानि होता है। और जब हम मेहनत करेंगे, यानी कि पीएचडी और एमफिल जो है रेगुलर बेसिस होता है, रेगुलर बेसिस के आधार पर आप जो है रिसर्च करेंगे तो आपके मन में एक खुशी आएगी, मतलब आपको लगने लगेगा कि देखिए बोले मैंने मेहनत किया और मेहनत का फल जो है इस तरह से मीठा हुआ है। तो आप घर बैठे कोई पीएचडी एमफिल नहीं होता है, ठीक है, आप घर बैठे नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं और फिर जहां पर भी वैकेंसी निकले वहां अप्लाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन जब पीएचडी की बात करते हैं वो रिसर्च वर्क, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। आप खेतिहर किसान हैं तो आप जिंदगी में ये मत सोचिए कि मुझे कीचड़, मेरे पैर में कीचड़ नहीं होगा, होगा ही। आप कोयले के खान में काम करेंगे तो आपके हाथ में कोयला लगेगा ही। आप रिसर्चर हो तो आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा, उसके बिना आपको रिसर्च का डिग्री प्राप्त कर लेना जो है आपको ग्लानि महसूस होगा। लोग नहीं समझेंगे लेकिन आपको ग्लानि होगा। जब आपसे आपके स्टूडेंट पूछेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है, तब ऐसे स्थिति में जब वो जवाब नहीं दे पाएगा तो अपने आप को ग्लानि होगा। तो इसलिए मेहनत के साथ में रिसर्च करते हुए जब पीएचडी एमफिल करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, मैं ऐसे मानता हूँ। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद ही जेआरएफ की फेलोशिप आपको मिलेगी, उसके पहले नहीं मिलेगी जब तक रजिस्टर्ड नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो नहीं होंगे, 3 साल के अंदर में ही मिलेगा। तो जो पीएचडी करना चाहते हैं वो नेट सेट क्लियर करने के साथ साथ ये भी ध्यान देते रहिए कि कौन से गाइड आपके मतलब गाइड बनना चाहते हैं, कौन से प्रोफेसर, उनसे टच में रहिए, मार्गदर्शन करेंगे आपको। सर इसके अलावा ये भी बता दीजिए कि पीएचडी में कितने साल लग जाते हैं मिनिमम या मैक्सिमम? तो यूजीसी के नाम्स हैं उनका, अपना यूजीसी का एक नाम्स है, यूजीसी के नाम से ये है कि मिनिमम 3 इयर्स और मैक्सिमम 6 इयर्स। पहले हम जब करते थे 18 इयर्स मतलब 18 महीना का होता था, लेकिन अब जो है जो 2018 जुलाई में यूजीसी रेगुलेशन जारी किया गया है तो उसमें स्पष्ट बता दिया गया है कि 3 इयर्स जो है मिनिमम है और 6 ईयर मैक्सिमम है। यानी कि यदि मान लीजिए 18 ईयर्स भी 18 महीना भी रखेंगे तो 4 से 5 साल लग ही जाता है, एक पीएचडी करने में 4-5 साल तो लगता ही है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि स्वाति वैष्णव जो है स्टूडेंट है मेरे और टीचर से खुद इंटरव्यू ले रहे हैं
हमारा सौभाग्य है। ये YouTube का मंच है, YouTube का मंच है जो इसी तरह से घर में बैठकर जो है अपनी जो जो भी बातें हैं या जो विचारधारा है, जो विचार है, वो YouTube के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और आप, मुझे लगता है कि ये जो जानकारी आपने प्राप्त किया है आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो, ऐसा हम मानते हैं। और यदि आपको ठीक लग रहा है तो जरूर दूसरे दोस्तों को भी जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू स्वाति जी, धन्यवाद।